भाई साहब इस दुनिया में उबर से बड़ा हरामी कुछ हो ही नहीं सकता। पता है मैं घर जाने का प्लान चल रहा है एक हफ्ते से, मैं रोज़ चेक करता हूँ कि यहाँ से मेरा उबर एयरपोर्ट तक तो कितना लगेगा। रोज़ दिखाता था 420, 423, 450, रिजनेबल है, फेयर एनफ। जब मेरे को कैब बुक करना था, मेरा 12:05 का फ्लाइट है, तो मेरे को मिनिमम 1 घंटा पहले जाना पड़ेगा। तो मैं कैब बुक कर रहा था, मैं चेक किया कि कितना होगा, देख रहा हूँ 900। ओ भाई, मैक्सिमम टाइम क्या करता था, मैं उबर लेता था, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं शुरू शुरू कोलकाता आना शुरू किया था उस टाइम पे ओला हद से ज़्यादा पैसा लेता था, तो उबर कम लेता था। अभी मेरे को वही माइंड सेट अप था कि हाँ उबर ओला बहुत ज़्यादा लेता है, लेकिन आज चेक करके देख रहा हूँ साला ओला बस कम ले रहा है। ओला जिस जगह पर ले रहा है 620, उस जगह पर उबर ले रहा है 900 सेम सर्विस में। मतलब बोले कहाँ है आप? मैं सोचा था कि ओला में जाएंगे, ओला वाला उससे भी बड़ा चूतिया निकला। मेरे को कॉल किया कि भैया आपको कहाँ जाना है, मैं बोला कि एयरपोर्ट जाना है, बोलता है अच्छा ठीक है आप कहाँ है, मैंने लोकेशन बोला, बोलता है कि फेयर कितना दिखाया, मैंने बोला कि जो फेयर दिखाया, बोलता है उसके बाद मैं पूछता हूँ कि फेयर कम हो गया मैं कैंसिल कर दूँ क्या, वो बोलते नहीं भैया आप छोड़ दो मैं कैंसिल कर देता हूँ। गजब बेइज्जती है। पहले क्या होता था, पहले एक्सरे होता था, पहले वो काउंटर में टिकट मिलता था, वह जो आजकल नहीं हो रहा है, आजकल सिर्फ टिकट काउंटर में आपको एक्सरे बस दैट्स इट। वैसे अपडेट ऐसा है कि आई मिस्ड माय फ्लाइट, मेरा इतना सारा बैग है अभी, मैं जितना कि भाई साहब मेरे को पता नहीं, मेरे को क्या पता चला मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले उबर का इतना प्राइस क्यों है, क्योंकि आज CPIM गवर्नमेंट ने स्ट्राइक डाला कोलकाता में, इसी के कारण गाड़ी नहीं है, इसीलिए गाड़ी का शॉर्टेज होने के कारण फेयर बहुत ज़्यादा है। मेरे को ये बात समझ में नहीं आया, तो रास्ते में जब आया एक बार भीड़ ही भीड़ है, तो आते आते मेरे को अभी मेरा फ्लाइट का आधा घंटा बची है अभी तक, लेकिन मेरे पास इतना बैग होने के कारण बैग प्रोसेस नहीं कर सकते, इसलिए वो लोग मेरे को अलाउ नहीं कर सकते, तो मेरे को नेक्स्ट फ्लाइट में जाना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ दैट आई मिस्ड माई फ्लाइट, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस है। सो मैं इतना बड़ा चूतिया हूँ, इसलिए मेरा सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ता, मेरा फ्लाइट भी मिस होता है। मेरा जो फ्लाइट मैंने मिस किया वो था 12:05 को, तो मेरे को 12 बजे टाइम दे कि आप 12 बजे आओ तो अब आपका नेक्स्ट फ्लाइट का बुकिंग करते हैं, और मैं बोला कि प्राइस कितना, मतलब कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन लेकिन भाई साहब इंतज़ार का 1 मिनट भी नहीं जा रहा है। टिकट बन चुका है, अभी सिक्योरिटी पास के बारी, और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ ये मेरा लाइफ का सबसे एक्सपेंसिव फ्लाइट था। ओके, तो फाइनली मैं आ गया, मेरा सिक्योरिटी चेक इज़ डन, and now I can clearly say this time I am traveling the most expensive domestic flight that I ever boarded on। अब guess कर सकते हो उसका amount क्या है ना, मैं हमेशा आता था जितने में, उसका 1/4 भी नहीं, उससे भी कम है, सोच लो। सब कुछ सही होता तो इस टाइम पे मैं मस्त लैंड हो चुका होता और घर के लिए ऑटो गाड़ी कुछ ले लिया होता, लेकिन जब किस्मत में गु हो तो आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, कुछ नहीं। एक होता है बाप का पैसा उड़ाना, ठीक है, क्योंकि देखो राइट नाउ आई एम नॉट डूइंग जॉब, वो अलग बात है, आई एम फ्रीलांसिंग एंड अर्निंग, वो अलग बात है, क्योंकि समाज को थोड़ी समझ में आता है, मैं समाज के हिसाब से बात कर रहा हूँ। एक होता है बाप का पैसा उड़ाना, दूसरा होता है बाप के पैसे से उड़ना, जो अभी मैं कर रहा हूँ, तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि खर्चा ज़्यादा ना हो जाए, समझ रहे। जो अभी जो हुआ मतलब एकदम सीने में दर्द हो रहा है, बहुत पैसा चला गया।
मैं क्या बोल रहा हूँ, आज बहुत ज़्यादा हिम्मत हो गया, बहुत पैसा चला गया, तो आज एयरपोर्ट में खाने का भी थोड़ा हिम्मत दिखा देते हैं, क्या बोलते हो? चलो, खाने के लिए सामने वाह मोमो है, इसके आगे है बांचारामस, तो जान पहचान में वाह मोमो है, इसका मेनू भी समझ में आएगा, पहले हाँ ट्राई करते हैं, इसको ज़्यादा महंगा है तो नहीं खाएंगे, सॉर्टेड है, पैसा बचाओ। वहाँ का मेनू समझ में आया लेकिन प्राइस समझ में नहीं है, तो नेक्स्ट ट्राई करते हैं, कहाँ खा सकते हैं। जो देख रहा हूँ ना, ये बार है, बार इसे जाने का आप उनके पास औकादिच नहीं है। सामने मेरे को KFC दिखा, तो सामने KFC है तो थोड़ा चैन का सांस आया, उधर कोशिश करते हैं, शायद इट विल बिट एक्सपेंसिव, बट अगर ऐसे चलेंगे तो यार कल पहुँचेंगे। जो KFC में गया वो सिर्फ एक छोटा सा वो था, क्या बोलते उसको, ब्रंच था, जो मेन हेड है जहाँ पे बन के खाना तैयार होता है वो आया है, तो वहाँ से अगर ऑर्डर करूँगा तो मेरे को ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यहाँ करेंगे तो आई विल गेट बिट सून। और फ्लाइट भी तो है, खाने के लिए फ्लाइट थोड़ी छोड़ देंगे, हाँ छोड़ सकते हैं, कभी सोचा नहीं। ऑर्डर प्लेस्ड, इट विल टेक 10 मिनट्स टू आगे मेरा आई मेल नंबर वन। मैंने जो मील खाया उसका दाम था 205 आई गेस, अगर आप बाहर KFC में खाओगे शायद 149 ऐसा कुछ है, मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन इस टाइम यहाँ पर अगर एयरपोर्ट में आपको 205 में ऐसा मिल रहा है तो है बहुत ही भाई, KFC है जान बचा, तो वहाँ में तो पैसे कपड़ा फर के ले लेता पैसे। अभी से जो भी बोलने वाला हूँ आपको, आपको तो समझ में आएंगे नहीं और सुनाए तो देंगे नहीं, फिर आप विजुअल्स का मजा लो। ये अंदर महल की तरफ जाते हुए हम लोग, सी व्हाट आई गॉट, विंडो सीट ब्रो, विंडो सीट, क्या लाइटिंग है ब्रो, क्या लाइटिंग है ब्रो। अपने रत्न से यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपसे निवेदन है कि उड़ान के दौरान फेस मास्क और फेस शील्ड हर समय पहने रखें, अपने हाथ नियमित रूप से सैनिटाइज करें, अपनी सीट पर ही बैठें। अब फ्लाइट लैंड हो गया अगर तो एयरपोर्ट का क्या है ना, आपको अगर आधे घंटे में बैग मिल गया देन आपका किस्मत बहुत बढ़िया है, एंड फाइनली रिच्ड आफ्टर लॉट ऑफ स्ट्रगल टू। कब 20 मिनट के बाद मिला, चलो पहुंच गया भाई अपना शहर, अब आओ बहन का लड़ो कौन सा बोलेगा। पहुंच गया, ऑटो भी मिल गए, अब पूछ सकता हूँ कि ऑटो क्यों, क्योंकि हम गरीब हैं, वन लाइन आंसर, क्योंकि आई एम गरीब, ऑटो से जाएंगे।